11,493 रुपए है 16,000 किलोमीटर पे। सीधा 16,000 गाइस। इंडिकेटर कितने का इसका? 12,000 के गाइस। इतनी अच्छी बाइक में 12,000 के इंडिकेटर। बाइक ना स्टार्ट होने के कारण तो सीधा अब शोरूम ही जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट शोरूम लेके चलता हूँ आपको। देख सकते हो काफ़ी बाइक्स आ चुकी हैं और महंगी महंगी काफ़ी बाइक्स आई हुई हैं। देख सकते हो हार्ले भी आया हुआ है और ये कौन सा जेट, ये चेक कर लेते हैं। ये ट्रम्प का दूसरा डाइटोना खड़ा है और वो अपने R15 खड़ी हुई है। और ये बाइक नया आया स्कैम्बलर 400 करके ढका हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यू भी होने वाला है, मिलते भी हैं भाई कैमरा मैन व्लॉगर्स भी आए हुए हैं, बाकी भी आए हुए हैं। अभी कॉफी चल रही है सब लोगों की और ये रही बाइक कवर है, अनकवर भी करेंगे इसको और तब तक कॉफ़ी भी इंजॉय करते हैं। देख सकते हो ट्रम्प ने अपना पूरा बैजिंग लगाया हुआ है और बंदे भी बुलाए हुए हैं काफ़ी। और इन्होंने अपना कैबिन इस साइड कर दिया, पहले उस साइड था तो अब इस साइड कैबिन कर चुके हैं अपना। बाकी टी शर्ट्स वगैरह भी बढ़िया है, आप देख सकते हो टी शर्ट। बाइक होने लगी है स्टार्ट, अपने तेजस भाजी भी बैठ गया। ते करो भाई स्टार्ट, पहला न्यूट्रल। या वॉक अराउंड करना गाइस। तो गाइस खाना वाना आ गया और फिर सारे खा भी रहे हैं, देख सकते हो। तो बाइक लेना पल्सर 660 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस जैसे देख सकते हो सर ने बिल्कुल डिटेल में बता दिया था, इनकी आवाज आपको मेरी वीडियो में जरूर सुनने को मिलेगी। फ्रंट लुक में आपको देखो स्क्रैम्बलर देखने को मिल जाएगा, ड्यूल लाइट है इसके लिए, लो बीम के अलग स्विच दिया हुआ है, हाई बीम का अलग स्विच दिया हुआ है और ये आपको फाइबर में देखने को मिल जाएगा। फोल्डेबल है और मतलब फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा, टूटने नहीं वाला इसके। गाइस मेरे को सबसे अच्छी ज़्यादा लुक लगी है इसके साइलेंसर की, आप देख सकते हो डबल नॉट साइलेंसर है। और भैया हॉर्स पावर कितनी प्रोड्यूस करता है? हॉर्स पावर BHP 40 BHP है 8000 RPM। और अब बता दीजिए क्या क्या इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा? फीचर्स आपको कार के पीछे सबसे ज्यादा मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा आपको, ट्रिपल असिस्ट क्लच मिल जाएगा आपको। ओके इसमें आपको लोअर व्हील मिल जाएगा 19 इंच के, आगे ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बेस्ट है। स्टेनलेस स्टील का है, जब ये लगता है इसके ना अट्रैक्टिव लुक है बहुत। पूरा स्कैम्बलर इसके 6 गियर्स है, वन डाउन 5 अप। ओके बहुत ही अच्छा, कुछ शिफ्टर नहीं है बट इसकी शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, इसकी इंजन की पावर बहुत स्मूथ है, रेडिएटर लगा, लिक्विड कूलर लगा है इसमें। ओके बेस्ट चीज ये है और बड़ा सेफ्टी सर बनाएगा पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाइक का। तो टॉप एंड कितना लग जाता है? ये टॉप 170 तक लग जाता है। 170 तक लग जाता है। ऑफ रोडिंग के लिए अलग फीचर है? सब सेम, बीच में ऑफ रोडिंग के लिए अलग ऑन होता है, यहाँ बटन लगा सर। ओके यहाँ से ऑफ रोडिंग के लिए सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग होता है ट्रिप 1 ट्रिप 2। बाकी इसका ऑन रोड प्राइस 311,493 रुपए है, आप आ सकते हैं डिलीवरी के लिए। गुड नेम सर? सर जय, मैं सब जय। मेरी वीडियो देख के कोई आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा? मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अगर होगा तो करवा दोगे सर, अगर होगा। तो गाइस आप देख सकते हो इसकी ट्रम्प की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट होल्डर लगा के यहाँ पे स्पीकर्स भी लगा सकते हो। 22 फीचर्स मिल जाएंगे इसके कंसोल के अंदर और ये बटन आपको 2-3 चीज़ें हेल्प करेगा, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना है तो यहाँ से, ऑफ रोडिंग भी ऑन करनी है तो होल्ड करके रखो, ये ऑफ रोडिंग है। ये आपको 2 स्विच देखने को मिल जाएंगे, ये लो बीम के लिए लग दिया हुआ है, हाई बीम के लिए लग है और यहाँ से पासिस भी हो जाएगा। और हैजर्ड लाइट के लिए यहाँ स्विच दिया गया। कलर इसका बहुत अच्छा है, मेटल बॉडी है, फाइबर का सारा सिस्टम है, शॉक्स भी दिए हुए हैं अच्छे, जो यामा में शॉक्स आते हैं वही कंपनी के दिए हुए हैं। बाई ब्रेक ये डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है और ट्रम्प की आपको यहाँ पे भी बैचिंग देखने को मिल जाती है। फोटोरेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और इस यहाँ पे आपको स्कैम्बलर 400X की देखने को मिल जाएगी बैचिंग। बैक साइड भी इसकी लुक अच्छी है और दो बंदे बैठे हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी है गाइस इसकी, कुछ नहीं ऐसे नहीं ख़राब होगी। टायर भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी इस बाइक में, इसका एग्जॉस्ट, इसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है गाइस।
डबल माउथ एग्जॉस्ट है इसका, सिंगल सिलेंडर बाइक होने वाली है और काफी अच्छी लुक रख दी है। इंडिकेटर कितने का इसका? 12,000 के गाइस, इतनी अच्छी बाइक में 12,000 के इंडिकेटर। इंडिकेटर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ब्लॉगिंग में और लो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। कितनी सर पहली सर्विस इसको कितने में करानी पड़ेगी? पहली सर्विस सर 12,000 किलोमीटर पे है और 2,000 से 2,500 के बीच हो जाएगी। ओके तो दूसरी है बहुत लॉन्ग इंटरवल है। ओके 16,000 किलोमीटर पे सीधा 16,000 गाइस, बड़े सेगमेंट की बाइक में भी सर आपको कम से कम 10,000 होता है लास्ट, 11,000 की लुक भी बहुत अच्छी है। मैं प्रेफर करूंगा आप ये KTM को छोड़ के ये लो और लद्दाख जाओ, स्पीडी जाओ। हम जहाँ जीबी जाके आए हैं वहाँ पर प्रो ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट बाइक बनी गई है, पहाड़ता राम लाली चढ़ जोगी नहीं नहीं अपन ये नहीं भाज दी। हाँ चलो वो एडवेंचर वाली जगह तो जरूर भाज जानी सी, ठीक है ना। वैसे बाइक भी बहुत अच्छी है। वेट कितना होने लगा है सर गाइस? 179 इसका वेट है, R15 जितना ही वेट है इसका। और जितनी कोई भी है R15 लेगा 245,000 के तो R15 आती है, उससे बढ़िया आप ये भी ले सकते हो ट्रैम्प का। और इनका सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है और डीलिंग इनकी बहुत अच्छी है। बाकी आप बाइक और भी देख सकते हो, आके विजिट भी कर सकते हो। गाइस अगले व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, लव यू ऑल।